नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल टेक्निकल टाउन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सोनालिका DI-42RX दोस्तों ये पावर स्टेयरिंग मॉडल है। दोस्तों हमने इसका पावर स्टेयरिंग का जो ऑयल है वो हमें चेंज करना है दोस्तों, इसीलिए हमारे पास ये गाड़ी आया है अपने वर्कशॉप में। दोस्तों इसका स्टेयरिंग ऑयल चेंज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने बोनट को खोल दी है और इसकी जो जितने भी पाइप कनेक्शन है सब कुछ हमने खोल चुका है। और यहाँ पे जो ऑयल टंकी है, जो रिजर्व टंकी रहता है पावर स्टीयरिंग का ऑयल, वो भी हमने उतार ली है। और ये है देखिए, उसका टंकी है यहाँ पे रखे हुए है। और ये है दोस्तों इसका जो फिल्टर रहता है उसमें, उसका बेस। और इसकी जो पाइप कनेक्शन है सब कुछ यहाँ पे हमने खोल के रखे हैं। और इसका जो ऑयल का कंडीशन देख सकते हैं किस तरह हो चुका है, इसका हालत कितना ख़राब हो चुका है दोस्तों, इसीलिए हमें इसका ऑयल चेंज करना है स्टीयरिंग ऑयल का। और ये उसका फिल्टर है, ये भी बहुत चोक हो चुका है दोस्तों, इसे हम साफ़ करके लगाएंगे। ये पुराना फिल्टर नहीं लगेगा, सिर्फ उसे डीजल से साफ करके प्रेशर मारना है। प्रेशर मार के हम इसे साफ़ करेंगे और ये पुराना फिल्टर हम फिटिंग करेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने ये स्टेयरिंग चेक का पाइप कनेक्शन भी हमने यहाँ पे खोल दिया है। और इसका जेक में जितना भी ऑयल रहता है वो भी हम बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी नई टॉपिक के साथ। दोस्तों चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना ज़रूर।